पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। ये सभी तस्वीर अलग अलग जगहों की हैं। पहली तस्वीर देखिए जिसमें अस्पताल के फर्श पर कुछ लड़के लेटे हुए हैं। ये तस्वीर है पलामू जिले के मेदिनीनगर अस्पताल की। वहीं दूसरी तस्वीर में लड़कों की एक लंबी कतार खड़ी दिखाई दे रही है, जबकि एक और तस्वीर में एक महिला चीख चीख कर रोती बिलखती हुई नजर आ रही है। आखिर ये लड़के अस्पताल के फर्श पर क्यों पड़े हुए हैं, क्यों ये महिला रो रही है, क्या है पूरा मामला, हम आपको इस वीडियो में सिलसिलेवार तरीके से सब बताएंगे। ये जो लड़कों की लंबी कतार दिख रही है, दरअसल ये लोग उत्पाद सिपाही भर्ती की दौड़ के लिए खड़े हैं। आंखों में एक सपना है कि सरकारी नौकरी करेंगे, दौड़ निकाली तो नौकरी पक्की। ये सभी लड़के उम्मीद और सपना लिए दूर शहर पहुंचे हैं, लेकिन किसे पता था कि यही उम्मीद इनमें से कई लोगों की जान ले लेगी। ऐसा ही कुछ मामला दो अलग अलग जिलों से सामने आया है। झारखंड सरकार द्वारा उत्पाद सिपाही भर्ती दौड़ के दौरान दो दिन में 5 लड़कों की मौत हो चुकी है। बता दें कि करीब 44 साल बाद झारखंड में उत्पाद सिपाही की भर्तियां निकाली गई। भर्ती के लिए दौड़ 22 अगस्त से शुरू की गई। पलामू जिले के मेदिनीनगर मैदान में आयोजित दौड़ में शामिल 4 कैंडिडेट की 2 दिनों में मौत हो गई। ये सभी दौड़ के दौरान बेहोश होकर गिर गए। इलाज के दौरान इनकी मौत हुई है, जबकि 80 से अधिक अभ्यर्थी बेहोश हो गए। डॉक्टर का कहना है कि इनकी मौत डिहाइड्रेशन और कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई है। वहीं अभ्यर्थियों का कहना है कि सुबह 6 बजे एंट्री कराई गई, जबकि 5 घंटे इंतजार के बाद 11:45 में दौड़ शुरू की गई। इस वजह से कैंडिडेट बेहोश होकर गिर गए थे। जिन अभ्यर्थियों की मौत हुई है उनमें अमरेश कुमार, उम्र 19 साल, अमरेश बिहार के गया जिले के रहने वाले थे। वहीं रांची के और मांझी का रहने वाला 21 साल के अजय कुमार महतो, छतरपुर का रहने वाला अरुण कुमार और गोड्डा के रूंजी का रहने वाला 25 साल के प्रदीप कुमार की मौत हो गई है। हजारीबाग से भी पद्मा प्रशिक्षण केंद्र में उत्पाद सिपाही की बहाली के लिए शुरू हुई दौड़ के दौरान एक युवक बेहोश होकर गिर गया, जिसके बाद उसे आनंद फानन में शेख बिहारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौत की वजह बताई गई हार्ट अटैक। मृतक की पहचान सूरज कुमार वर्मा के रूप में हुई है। सूरज गिरिडीह का रहने वाला था। वहीं बेटे की मौत की खबर मिलते ही उसके परिजन सदर अस्पताल पहुंचे और प्रशासन और अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। परिजनों का कहना है कि सूरज पूरी तरह से फिट था, उसे किसी तरह की कोई बीमारी नहीं थी। इतना ही नहीं, सूरज के परिजनों का आरोप है कि प्रशासन की लापरवाही से इसकी मौत हुई है। पद्मा में इतने बड़े दौड़ का आयोजन हो रहा है, लेकिन ना तो एम्बुलेंस की कोई सुविधा है और ना मेडिकल की कोई सुविधा। अगर वहां मेडिकल की सुविधा होती तो शायद सूरज की जान बच सकती थी। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि जो लड़के इस भर्ती की दौड़ में अपने साथ कई उम्मीदों और सपनों को संजोए हुए दौड़ में शामिल होने आए थे, कि शायद इस भर्ती में उनकी दौड़ निकल जाए और फिर सरकारी नौकरी लिए अपने परिवार की उम्मीदों पर खरा उतर जाएंगे। लेकिन यही सपने इन सभी लड़कों को मौत के घाट उतार दी। आखिर इनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। मेरा नाम है श्यारतन। बहुत बहुत शुक्रिया।